ये आप देख रहे हैं मेरे यहाँ हिबिस्कस का प्लांट है जो मेरे यहाँ किचन गार्डन में लगा हुआ है, और बहुत बड़ा वृक्ष है, और इस टाइम ये बड़ से भरा हुआ है। पर धुंध की वजह से, धूप ना निकलने की वजह से इसमें फ्लावरिंग होती है पर बहुत कम होती है। तो जो मेरे यहाँ गुड़हल के पॉट में लगे हुए हैं वो बिल्कुल ही डोरमेंसी में चले गए हैं, उनके पत्ते भी बिल्कुल रेड कलर के हो चुके हैं। ये किचन गार्डन में तो ये है कि ये पत्ते मेरे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं, तो अब उनकी मैं कटिंग करूंगी। कटिंग करने के बाद उनको फीड दूंगी। ये काम आप फरवरी में भी कर सकते हैं, फरवरी लास्ट तक भी कर सकते हैं। इन समर के प्लांट्स को, समर के फूलों की तैयारी के लिए आप इनकी कटाई छटाई कर दें और फिर इनको हम फीड देंगे। वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखो ये गुलाब की वाइन है जिसको अब मैं फीड दूंगी, ताकि ये हमारे मार्च लास्ट और अप्रैल में ये फ्लावरिंग से भर जाएगा। इस टाइम ये पूरी अपनी ग्रोथ पर है, सर्दी के मंथ में ये पूरी ग्रोथ पर है, और इसको मैं बहुत अच्छी हाई फीड दूंगी ताकि ये हमारे मार्च में पूरी अच्छी तरह से फ्लावरिंग से भर जाए। और मेरे यहाँ किचन गार्डन में आप देखेंगे कि मैंने जो अपने घर के घरेलू यूज़ के लिए लगाई हैं वो सब्जियों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। सभी प्लांट्स मेरे यहाँ बड़ से भरे हुए हैं, और फ्रूटिंग भी आप देखेंगे बहुत अच्छी फ्रूटिंग है, और बिल्कुल नीचे नीचे तक। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी खाद बनाई हुई है जो मेरे गड्ढों से निकली हुई है, और ये बकरी की मेंगनी की खाद है जो मैं अपने वेजिटेबल्स प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ, और ये काउडंग और वर्मी कंपोस्ट सूखे पत्तों की खाद है जिनको मैं यूज़ करती हूँ जब मैं अपने प्लांटिंग करती हूँ प्लांट्स की। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं पॉट में जो गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं वो इस टाइम रेस्ट पीरियड में चले गए हैं, चाहे ये मेरे बड़ से भरे हुए हैं। आप देखेंगे बिल्कुल बड़ से भरे हुए हैं प्लांट। तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि इनको कटिंग करूं, पर इनकी कटिंग करने के बाद इनको हम अच्छी फीड देंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी गर्मी के लिए तैयार हो जाएंगे। गर्मी में हमारी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगे और ये बुशी भी बहुत बन जाएंगे। जो ये मेरे प्लांट हैं ये बहुत पुराने प्लांट हैं, तो इनकी मैं अब आपको ये पॉट में से निकाल के आपको दिखाऊंगी कि इनकी रूट बॉल कैसी बनी हुई है। तो रूट बॉल होगी या रूट्स ज़्यादा होंगी तो उनकी मैं कटिंग कर दूंगी। वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और इनको कैसी खुराक दूंगी और कैसे हम पॉट की इसकी सॉइल तैयार करेंगे ताकि गर्मी में हमारे को अच्छी फ्लावरिंग वाली ये प्लांट्स तैयार हो जाएं। तो अब मैं इनकी सारी ये जो एक्स्ट्रा टहनियाँ निकली हुई हैं इनकी सारी कटिंग कर दूंगी। तो कटिंग करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे पॉट में। फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसमें बहुत सी रूट बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा काट दूंगी, और इसी तरह रूट बॉल्स बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। ऐसे ब्लेड लेके आप इनको काट दो, मैं दिखाती हूँ। एक मिनट, आप इसकी कुछ रूट्स काट देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ऐसे करके। और मेरे कई प्लांट्स हैं जैसे जैस्मिन, मोगरा, छोटा जैस्मिन, उनकी सभी की मैं रिपोर्टिंग करूंगी और उनकी रूट बॉल्स को ऐसे काट दूंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको हवा मिले। और अगर आपके पास पॉट है तो आप पॉट भी नया ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें
यही पोट लेके आप एक दिन की धूप लगवा दें इनको, ताकि अच्छी तरह से ये फंगस से रहित हो जाएं। और वैसे ही हम नया पोट भर लेंगे, उसके लिए सॉइल भी हम अच्छी लेंगे। और इसको जो मैं फर्टिलाइज़र दूंगी वो फरवरी के एंड में भी एक बार दूंगी, ताकि हमारा पूरा गर्मी इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना ज़रूरत पड़े और ये अच्छी तरह से बढ़ोतरी करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पोट में इनको को लगाना बताऊंगी। पोट में धूप लगवाने के बाद आप ये टूटे हुए गमले की डिक्री ड्रेनिंग होल पे रख दें और सूखे पत्तियाँ डाल दें जो अपने हमारे यहाँ गार्डन से निकली हुई हैं, तो ताकि ये वन मंथ तक ये गल जाएंगी। और एक मेरे यहाँ पे आप जब भी पोट ये प्लांट लगाते हैं तो आप सॉयल हमेशा नई सॉयल ही रखें, ताकि जो उसमें गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स तक पहुंचे। तो ये हमने बिल्कुल नई सॉयल डाल दी है इसमें और सूखी पत्तियां डाल दी हैं। आप प्लांट को इस तरह जो हमने काट लिए थे रूट बॉल्स, उसको आप इस पे टिका के देख लें तो आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से ये फिट आ गया। और जब हमारी पत्तियां और जो हमारा कचरा है वो नीचे डिसॉल्व हो जाएगा तो ये प्लांट अपने आप ही नीचे चला जाएगा। तो जब हम जनवरी के एंड में हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे, काउडंक वर्मी कंपोस्ट, तो उस टाइम ये हमारे यहाँ पे स्पेस बन जाएगी इस प्लांट्स के लिए। और एक मैं यहाँ पे बता दूँ, जो हमने ये काटा है रूट्स काटी हैं इसकी, स्टेम्स काटी हैं, तो रूट्स भी और स्टेम्स भी जब काटी हैं तो इस पे अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, क्योंकि इसका मॉइस्चराइज नहीं उड़ेगा, ये हार्डी प्लांट है। और एक मैं अपने मेरे व्यूवर्स की बहुत सी क्वेरी आती है ये कंपोस्ट बनाने के लिए, तो वो पूछते हैं कि हम इसमें दूब दुर्वा घास इसमें डाल सकते हैं, डाल दो पर उसमें उसकी रूट्स मत डालो। रूट्स ऐसे हैं कि वो बिल्कुल ही डिसॉल्व नहीं होते और वो आगे से आगे तने बना लेते हैं, तो हमारा पोट दूब में भरा रहेगा, घास दुर्वा जो दुर्वा घास होती है उससे भरा रहेगा। तो इसलिए आप उसकी रूट्स मत डालो, उसकी जड़ें अगर आप जड़ डाल देते हैं तो आगे के आगे वो तने बना लेता है। अब हम इसकी वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग करने के बाद आप इसको शेडी एरिया में रख दें, फिर आप इसको धूप में रख दें। ऐसे दिसंबर का मंथ है, धूप कम ही आ रही है, तो नॉर्थ में बहुत कड़ाके की ठंड है, पर आप इसको धूप में रख दें। फिर हम जनवरी में इनको फर्टिलाइज़र देंगे, ताकि ये हमारी पूरी गर्मी के लिए फ्लावरिंग देते रहें हमारे जो ये प्लांट्स हैं। तो उस टाइम भी मैं आपके साथ इनका फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मैं दूसरे प्लांट्स को भी रिपोर्टिंग कर दूँगी।